नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे हैं टू जेक प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों आधार कार्ड की बहुत ही बड़ी अपडेट। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अब आधार कार्ड के अंदर 7 से भी ज्यादा सर्विस का काम कर सकते हैं। बहुत लोग को मालूम नहीं है और बहुत लोग यही सोचते हैं कि मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, इसलिए हम घर बैठे आधार कार्ड का कोई भी सर्विस का काम नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड में तो फिर आप 7 से भी ज्यादा सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सा सर्विस का यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो लिंक वाले के लिए कौन कौन सा सर्विस अवेलेबल है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर में टाइप करना है SSUP, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपको कंफर्म हो जाना है कि मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है चेक आधार वैलिडिटी के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से स्टेटस ओपन हो जाता है और यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट यहां पे देखने के लिए मिलेगा, यही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा नुल, जिसे आप समझ सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड का कौन कौन सा सर्विस का काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विथ आधार। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दोस्तों इसके नीचे यहाँ पे जितना भी सर्विस दिया गया है सभी सर्विस का आप काम कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे आपको काम करना है अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। और दोस्तों ये भी हम बताने वाले हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो, ये सारा चीज को कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं, ऑर्डर आधार PVC कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और अगर आप आधार कार्ड को अपना एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं PVC प्लास्टिक का, तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, यहाँ पे इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है और यहाँ पे दिख जाता है माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, इस बॉक्स पे सबसे पहले टिक आउट करना है और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है, जो आपके पास मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। उस पर OTP एक जाएगा, सेंड OTP के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद PVC आधार कार्ड को यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा सर्विस ये है कि अगर आप यहां से ऑर्डर करते हैं PVC प्लास्टिक वोटर ID कार्ड को तो उसका स्टेटस आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं कि क्या अभी स्टेटस है, यहां से चेक कर सकते हैं। तीसरा सर्विस यहां पे देखने के लिए मिल जाता है कि अगर आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट कराए हैं उसका स्टेटस जानने के लिए, चेक करने के लिए चेक इनरोलमेंट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनरोलमेंट ID नंबर या फिर SR नंबर डालकर यहाँ से स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। चौथा सर्विस देखने के लिए मिल जाता है कि अगर आपको मालूम नहीं है कि आधार सेंटर कहाँ पे है, किस जगह पे है, कितना किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा, सारा कुछ अगर आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है कि डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, अपना एरिया का पिन कोड नंबर टाइप करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पे आधार सेंटर है, या फिर और भी यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, आधार सेंटर के नाम से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट,
पचमा सर्विस, यहाँ से आप देख सकते हैं किसी का भी आधार कार्ड में आप मिनटों में देख सकते हैं कि उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, कौन सा लिंक है। यहाँ पे आधार नंबर डालना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे टाइप करना, प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो इसका स्टेटस ओपन हो जाएगा। छठा सर्विस देखने के लिए मिल जाता है फाइल ए कंप्लेन। यहाँ से आप जो है कि आधार कार्ड रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो या अगर आप आधार कार्ड में किसी प्रकार का अपडेट कर रहे हैं या फिर न्यू आधार कार्ड बनाए हैं और पेंडिंग में है, काफी दिन से बन नहीं पा रहा है या फिर अपडेट नहीं हो रहा है, काफी दिन से पेंडिंग है, दोस्तों यहां से आप जो है कि कंप्लेन दर्ज करके आप यहां से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहे या न रहे उसे कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ से जो आप कंप्लेन कीजिएगा उसका स्टेटस चेक करने के लिए भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चेक कंप्लेन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका आप स्टेटस को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सतमा सर्विस के बारे में, तो सतमा सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है बुक एंड अपॉइंटमेंट। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ से जो है कि आप नया आधार कार्ड बना सकते हैं, नेम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं, जेंडर में अपडेट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक फोटो, ये सारा चीज को भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहे या न रहे उससे कोई भी मतलब नहीं है। बिना मोबाइल नंबर के आप जो है कि यहां से अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो आधार अपडेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने देना है। अगर न्यू आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो न्यू आधार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करके जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां से अपॉइंटमेंट बुक करके आधार कार्ड में नेम को चेंज कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, ईमेल आईडी, ये सारा चीज को अब यहां से आप अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहे या न रहे उससे कोई भी मतलब नहीं है। पर अपॉइंटमेंट बुक करके आपको आधार सेंटर ही जाना पड़ेगा, वहीं से आपको आधार कार्ड में ये सारा चीज को अपडेट कराना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर जितना भी सर्विस दिया गया ये सारा सर्विस को हम काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आप कौन कौन सा सर्विस का काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड विद आधार, यानी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो इसके नीचे यहाँ पे जितना भी सर्विस दिया गया ये सभी सर्विस का आप जो है कि घर बैठे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों लोगों को समझ में आ गया होगा जिसका मोबाइल नंबर लिंक है और जिसका नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा।